श्री कृष्णा क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं एसके सोनू, आज से आप लोग का एक रीजनिंग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट चैप्टर आप लोग का अल्फाबेटिक सीरीज है। सबसे पहले आपको बेसिक से जानना पड़ेगा अल्फाबेट को, ए टू जेड। आप लोग को प्रत्येक अल्फाबेट का नंबर याद करना पड़ेगा। जैसे जी का 7 होता है, जी का 7 आपका माइंड में होना चाहिए। आई का 9 होता है, आई का 9 आप लोग को माइंड में होना चाहिए। इसके लिए एक हेल्पफुल छोटा सा फार्मूला है जिसका नाम इजोटी है, ई फॉर 5, जे फॉर 10, ओ फॉर 15, टी फॉर 20 और वाई फॉर 15। ये फार्मूला नहीं है, एक्चुअली एक कार्ड के लिया गया है बीच से, ठीक ना, जिससे आपको अल्फ़ाबेट का नंबर पकड़ने में हेल्पफुल करें। जैसे अगर आपको पूछ दिया कि डी का नंबर कितना है, डी का नंबर आपको याद नहीं है सपोज, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ई फॉर 5 आपको माइंड में है, तो डी ई आपको तो ए बी सी डी याद है, तो डी के बाद ई हो रहा है, यानी डी का अल्फ़ाबेट 4 हो गया और ई का 5 है, ये आपको पहले से याद है। इसलिए इसको एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसको माइंड में याद रखिएगा। और इसके बाद हम लोग आते हैं एक छोटे से एग्जांपल पे, जो नंबर अल्फाबेट का नंबर से रिलेट करेगा और इसको सॉल्व करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे बी का नंबर, बी अल्फाबेट का कितने नंबर पे है, बी दूसरा नंबर पे है, डी कितना नंबर पे है, 4 नंबर पे है, एफ कितना नंबर पे है, 6 नंबर पे है, आई कितना नंबर पे है, 9 नंबर पे है, एल कितना नंबर पे है, 12 नंबर पे है, ठीक ना, और उसके बाद पिन कितना नंबर पे है, 16 नंबर पे है। और आपसे नेक्स्ट पूछा है तो ये अल्फाबेट सीरीज है, आपको कैच करना है कि इसके बाद का सीरीज क्या होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीरीज पकड़ना पड़ेगा। हमको मालूम है कि बी का 2 होता है, डी का 4 होता है, एफ का 6 होता है, ये हम लोग लिख चुके हैं। इसके बाद एक सीरीज हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। 2 से 2 4 हो रहा है, 2 राइज किया, 4 से 6 2 राइज किया, 6 से 9 3 राइज किया, 9 से 12 9 से 12 3 राइज किया, और 12 से 14 4 राइज किया। यहाँ हम सीरीज देख रहे हैं, 2 से 4 हुआ 2 राइज किया है, 4 से 6 हुआ है 2 राइज किया है, 6 से 9 राइज किया है 3 राइज करके 6 से 9 हुआ है, 9 से 12 हुआ है, 9 से 3 राइज करके 12 हुआ है, 12 से 16 हुआ है, यानी 12 में 4 ऐड होने के बाद 16 हुआ है। यानी हम लोग देख रहे हैं कि 2 2 1 1 डिजिट का मतलब 2 2 फर्स्ट 2 टाइम्स इंक्रीज किया है, 3 2 टाइम्स इंक्रीज किया है, इसके बाद नेक्स्ट इंक्रीज जो होगा मेरा 4 इंक्रीज करेगा, यानी 16 4 20। और 20 आपको मालूम है कि अल्फाबेट में 20 कितने नंबर का है, 20 का नंबर क्या है, टी है, इसलिए मेरा आंसर टी होगा। इसलिए आंसर ऑप्शन करेक्ट सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। और दूसरा क्वेश्चन है ए जी एल पी और एस, और आपको नेक्स्ट बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। ए का आप लोग जानते हैं 1 होता है, जी का आप लोग जानते हैं 7 होता है, एल आपका 12 होता है, पी देखिए इजोटी यहाँ पे क्या करेगा, आप लोग जानते हैं कि ओ का 15 नंबर है, ओ के बाद पी आ रहा है, तो 15 1 16 यहाँ पे हो जाएगा। और टी का आप लोग जानते हैं कि 20 है, टी के जस्ट पहले एस होता है, एस टी अल्फाबेट के अनुसार, तो यहाँ पे 19 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सीरीज पकड़ना है, वन प्लस सिक्स 7, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 3 19। हम लोग देख रहे हैं सीरीज में कि 6 5 4 3,
इसके बाद 19 में दो ऐड होगा, 19 और 2 21। अब 21 किस अल्फाबेट का नंबर है? ठीक है, हम जानते हैं कि 20 है। ठीक के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है? यू आता है, इसलिए आपका यहाँ पे 21 यू इक्विवेलेंट हो गया। ऑप्शन में आपका ए सही है। अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट देखें, सेकंड देखें, अब थर्ड देखेंगे। थर्ड ए जेड जी टी एम एन, इसके जगह पे क्या होगा? और फिर वाई भी दिया हुआ है। हम लोग देखेंगे कि ए का नंबर ऑफ सीरीज कितना है। ए फर्स्ट नंबर पे है, ए 1 हो गया। जी कितने पे है? 7 पे है। एम कितना पे है? 13 पे है। और वाई कितना पे है? 25 पे है। हम लोग देख रहे हैं क्या कि ए का अपोजिट जेड, ए का अपोजिट क्या है? जेड है। ए बी सी डी यहाँ एम तक लिखा हुआ है, एन से यहाँ अपोजिट। ए का अपोजिट जेड हुआ, बी का अपोजिट वाई हुआ, सी का अपोजिट एक्स हुआ, और एक दूसरे के अपोजिट जेड का अपोजिट है, वाई का अपोजिट बी, एक्स का अपोजिट सी। इसी प्रकार से ए का अपोजिट जेड, जी का अपोजिट हम लोग देखेंगे यहाँ टी हुआ, जी का अपोजिट टी है। एम का अपोजिट एन है, और वाई का अपोजिट बी है, वाई का अपोजिट बी है। अब हमको ये सीरीज पकड़ना है कि एक के बाद 7 हुआ, 7 के बाद 13 हुआ, और 13 के बाद क्या आएगा, उसके बाद 25 कैसे आया। तो हम लोग देख रहे हैं कि 1 + 6 = 7, 7 + 6 = 13, और 13 + 6 यहाँ पे 19 आना चाहिए, तब 19 + 6 = 25 आया। तो 19 हमारा कितना नंबर का है? 19 के इक्विवेलेंट मेरा अल्फाबेट एस हुआ। ठीक, और एस का अपोजिट क्या है? एस का अपोजिट एच हुआ मेरा, एस का अपोजिट एच हुआ, इसलिए मेरा ऑप्शन बी को जाता है। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग नंबर 4 क्वेश्चन देखेंगे। नंबर 4 है ए वाई डी, दूसरा है आपका बी वी एफ, तीसरा है डी आर एच, उसके बाद आपको बताना है कि यहाँ पे क्या होगा, के जी एल इसके बाद दिया हुआ है। ए का हम लोग जानते हैं कि ए का 1 होता है, वाई का 25 होता है, डी का 4 होता है अल्फाबेट इक्विवेलेंट नंबर में, बी का 2 होता है, भी का हमको मालूम नहीं है, तो इजोटी हम फार्मूला अभी बताए हैं। टी के बाद देखते हैं कितना, टी यू भी 21 22 नंबर का भी हो गया। एफ हमको मालूम नहीं, मान लीजिए कि मालूम नहीं है कि एफ कितना नंबर का है, हम इजोटी से पकड़ लेंगे। ई के बाद एफ आएगी, ई के बाद एफ आएगी, यानी 5 ई का है, एफ का 6 हो जाएगा। डी का हमको अल्फाबेट इक्विवेलेंट नंबर पूरा याद रखना पड़ेगा, इजोटी एक फार्मूला है जो हमको अगर याद नहीं है तो उसमें हेल्प कर रहा है। डी के बाद आर है, आर का इक्विवेलेंट नंबर हम लोग देखेंगे कितना होता है, मान लीजिए याद नहीं है तो इजोटी फार्मूला से OPQR, ओ आपका 15 हुआ, पी आपका 16 हुआ, आर आपका 17 हुआ, Q 17 हुआ, और R आपका 18 हुआ, H आपका 8 है, K आपका 11 है, G आपका 7 है, L आपका 12 है। अब हम लोग को सीरीज पकड़ना है कि कैसे ये अरेंज किया है। हम लोग क्या देख रहे हैं, 1 में 1 ऐड होकर 2 हुआ है, 2 में 2 ऐड होकर 4 हुआ है, और 4 के बाद हमको मालूम नहीं है। हम लोग यहीं से देखते हैं 1 2, इसके बाद 3 ऐड करते हैं, तो 4 3 7 यहाँ पे आना चाहिए। 7 चेक करते हैं कि सीरीज बनता है कि नहीं बनता है,
अगर हम लोग 4 ऐड करने करें तो ए वाला आना चाहिए, ये नंबर आना चाहिए, 7 + 4 = 11, यानी मेरा सीरीज ये सही पकड़ा गया। नेक्स्ट चेक करेंगे हम लोग 25, 22, 18 और जी 7। 22 से 18 4 माइनस हुआ है और 18 के बाद 3 माइनस हुआ, यहाँ पे 5 माइनस करके देखते हैं कि सीरीज बनता है कि नहीं। 18 में से 5 गया 13। अब चेक करेंगे कि 5 माइनस हुआ, अब यहाँ से अगर हम 6 माइनस करते हैं तो 7 आना चाहिए, 13 में से 6 माइनस करते हैं तो मेरा 7 आ गया, यानी मेरा सीरीज इसका पकड़ा गया और इसका पकड़ा गया। लास्ट का चेक करेंगे हम लोग 4 से 6 हुआ है, इसमें 2 ऐड हुआ है, 6 से 8 हुआ है, इसमें 2 ऐड हुआ है, 8 से 2 ऐड करते हैं क्योंकि यहाँ पे 4 से 2 ऐड होकर 6 आया, 6 से 2 ऐड होकर 8 आया, तो यहाँ पे लोग 2 ऐड करते हैं, 8 से 2 किए तो यहाँ 10 आना चाहिए और 10 से 2 ऐड करेंगे तो हम लोग 12 मिलेगा, यानी 7 3 10 नंबर हम लोग को पकड़ा गया और इक्विवेलेंट अल्फ़ाबेट हम लोग को पकड़ लेना है। 7 किसका है, 7 इक्विवेलेंट नंबर, 7 नंबर इक्विवेलेंट जी का है, तो मेरा 7 इक्विवेलेंट जी आ गया। 13 किसका है, 13 एम का होता है तो यहाँ पे एम हो जाएगा। 10 किसका है, 10 आपका इजोटी में बताया गया ये जे 10 का है, यानी जी एम जे मेरा सीरीज हुआ, जी एम जे ऑप्शन बी करेक्ट। आज का वीडियो सेशन यहीं पे समाप्त होता है, अगले सेशन में हम लोग और एग्जांपल करेंगे और इसी में कुछ और अच्छे अच्छे एग्जांपल से अपना कंसेप्ट अच्छा करेंगे। अगर ये मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।